हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लज्जत का तड़का। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी का हलवा। तो सबसे पहले हमें लौकी लेना है, इसको अच्छे से छील लेना है। इसको हमने अच्छे से छील लिया है, अब हम इसको काटेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से काट लिया है, जो कि मेरे पास फूड प्रोसेसर है तो मैं उसकी हेल्प से इसको कस करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने घर में जिसे आप गाजर कद्दू वगैरह कस करते हो आप उसी से कर लीजिए। फ्रेंड्स, फूड प्रोसेसर आपका टाइम बहुत बचाता है। अगर मैं ये लौकी अपने हाथ से करने लगती तो कम से कम मुझे आधा घंटा तो आराम से लग जाता, पर इसने मेरा काम 5 मिनट में कर दिया। फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हो गया है। तो है ना फूड प्रोसेसर बड़े काम का। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे सारा। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम अपने सारे लौकी डाल देंगे। कढ़ाई मैंने हाई फ्लेम पे रखी हुई है। फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए, इसको अच्छे से चलाते रहिए चलाते रहिए। फ्रेंड्स, अब मैं फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए और पानी जो भी है वो निकल आए। फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से चलाते रहिए। आप चाहे तो थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसका कलर थोड़ा और इन्हेंस हो जाए। अब मैंने यहाँ पर बाउल में दूध निकाल के रख दिया है। दूध में मैं थोड़ा बेकिंग सोडा डालूंगी। बेकिंग सोडा इसलिए ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि हलवे में जब दूध हम डालते हैं तो वो दूध फट जाता है। बेकिंग सोडा डालने से हमारा दूध फटता नहीं है। अब मैं सारा दूध इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा डालने के बाद भी अगर आपका दूध फट जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, इससे आपके हलवे पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो मैंने एक ट्रिक बता दी आपको कुकिंग की। कभी कभी लोग घबरा जाते हैं कि मेरा दूध फट गया, मेरा हलवा ख़राब बनेगा, ऐसा कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पर अगर दूध ना फटे तो बहुत अच्छी बात है। फिर सब कुछ टाइम तक आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको अच्छे से चलाना ही है। लौकी का हलवा है तो काफ़ी टाइम टेकन, पर बनने के बाद बहुत ही मज़े का बनता है। फ्रेंड्स, आप इसको चलाते रहिए जब तक पूरा दूध इसमें ऑब्जर्व ना हो जाए। फाइनली ये हो गया है। फ्रेंड्स, हमारी लौकी अच्छे से पक गई है, गल गई है, सारा दूध ऑब्जर्व हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। फ्रेंड्स, शक्कर मैंने लास्ट में इसलिए डाला है ताकि मेरा लौकी जो अच्छे से गल जाए। शक्कर अगर मैं पहले डाल देती तो ये अच्छे से पकता नहीं, कच्चा रह जाता।
तो अब जो मैंने इसमें शक्कर डाल दिया है तो शक्कर में से भी थोड़ा पानी निकलेगा, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनते ही रहेंगे ताकि शक्कर का पानी भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो फाइनली हमारा पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, आप खुद देख सकते हैं फ्लेम हमने स्लो पे कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूंगी। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। अब मैं इसमें डालूंगी घर का बना हुआ देसी घी। फ्रेंड्स घी बनाने की वीडियो भी मेरे चैनल पे है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश, पम्पकिन सीड, पिस्ता और जो भी आपको पसंद है आप उसमें डाल सकते हो। तो अब मैं इसमें दो इलायची डालूंगी। अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, इसको अच्छे से भूनूंगी मीडियम फ्लेम पे। फ्रेंड्स इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हमको थोड़ा सा ही भूनना है ताकि इसमें थोड़ा सा जो कच्चापन है वो चला जाए। तो फ्रेंड्स अब हमारे ये अच्छे से हो चुका है, अब इसको हम साइड कर देंगे। फ्रेंड्स लौकी का पानी दूध इसमें अच्छे से सब एब्जॉर्ब हो चुका है, अब हम इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। फ्रेंड्स हमारा ये अच्छे से रेडी हो चुका है, इसको थोड़ी देर और भून लेंगे ताकि घी वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स अब मैं इसमें थोड़ा सा नारियल डालूंगी। नारियल अगर आपको पसंद हो तो आप डाल दो, अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स आप भी लौकी का हलवा अपने घर में ज़रूर बनाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो लौकी ज़्यादा लोग को पसंद नहीं होती है, पर आप ट्राई करिए कि लौकी की डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि लौकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।